अल्पसंख्यक मामलात एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री साले मोहम्मद बाड़मेर जिला मुख्यालय के राजकीय अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास के शिलान्यास में पहुंचे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनेगा। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एक जमाने में बाड़मेर सबसे पिछड़े क्षेत्र में आता था और अब बाड़मेर की कुदरत ने तकदीर बदल दी है। प्रदेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बाड़मेर और जैसलमेर में ही चल रहे हैं। इससे दोनों जिलों के विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। साथ ही साले मोहम्मद ने कहा कि आने वाले समय में भी बाड़मेर के लिए किसी भी प्रकार के बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। देखो, विशेष तौर से आपने देखा होगा आज इसके शिलान्यास कर रहे हैं। छात्रावास की बहुत लंबे समय से मांग थी, आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद में जिला प्रशासन और मेवाराम जी ने यहाँ पर इसका जमीन आवंटन तमाम हो गया। तो मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आज यहाँ ये छात्रावास बन रहे हैं, अभी कल मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा रोड के अंदर छात्रावास दे रहे हैं, कोनरा के अंदर हमारी छात्रावास पहले से बन रही है, इसी तरह चौटन के अंदर आवासीय विद्यालय दे रहे हैं। तो पहली बार हम राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में माइनॉरिटी को किस प्रकार से हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे लाया जाए, तो उसके लिए पहली बार राजस्थान में हमने शुरुआत की है। मसूदा के अंदर, भरतपुर के अंदर, हमारे जैसलमेर में भी, बाड़मेर में आवासीय विद्यालय बनेंगे जो नवोदय विद्यालय और मॉडल स्कूल की तरह। देखो, संविदा कर्मी कोई भी है, आज शिक्षा विभाग के भी हैं, पंचायती राज के भी हैं, चिकित्सा विभाग के भी हैं। संविदा कर्मियों को जब नियुक्तियाँ होती हैं तब उनको पता होगा कि हमारा रेट क्या, अनुमत किस रेट से हुआ है, पर उसके बाद में ये रहता है हर संगठन का कि हमें नियमित किया जाए। पर हम इनकी लगातार मांग को हमने जो हमारी कैबिनेट कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री जी ने, उस कमेटी ने भी उस पर काम किया और इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी कि उनके लिए किस प्रकार से रास्ता निकाला जाए। यदि हम डायरेक्ट उनको नियमित करते हैं तो उसमें क्या हमें तकलीफें आती हैं। तो एक नया उन्होंने किया है कि जो भी जिस डिपार्टमेंट का है उसके लिए अलग से इनके सेवा नियम बनाए जाएंगे और उसी कैडर पर भी इनको जो भी इनकी मांगे हैं उन मांगों को। गौरतलब है कि पश्चिमी राजस्थान में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक रहते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ग का पिछड़ापन आज तक कायम है। शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर जिला उन्नति करे, इसके लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत है। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए बाड़मेर से दुर्ग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।